हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो है आपके लिए रोजगार समाचार है, तो आप जो है वीडियो को बिल्कुल अंत तक वॉच करने की कोशिश करें और जानें कि आप जो इसके लिए कैसे आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं पूरी खबर के बारे में। तो फ्रेंड्स, शारीरिक शिक्षकों के भरे जाएंगे पद, जल्द करें आवेदन। तो फ्रेंड्स, जिला प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो है अनुबंध आधार पर शारीरिक शिक्षकों के जो है 8 पद भरने जा रही है। कितने पद? 8 पद भरने जा रही है। तो फ्रेंड्स, यह पद जो है बैच आधार पर भरे जाएंगे। इन पदों में जो है सामान्य श्रेणी के 3 पद और जबकि सामान्य IRDP, OBC, OBC IRDP, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति IRDP श्रेणी में जो एक एक पद भरे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन श्रेणी में जो एक एक पद भरे जाएंगे सिवाय सामान्य श्रेणी में जो है 3 पद भरे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सामान्य IRDP के 1 और OBC 1, OBC IRDP 1, अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जनजाति IRDP 1, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यह जानकारी जो है जिला रोजगार अधिकारी अनीता गौतम ने दी है। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं पूरी खबर के बारे में कि आप जो इसके लिए कैसे आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अनीता गौतम ने बताया कि इन पदों के लिए जो है शैक्षणिक योग्यता जो है 10.2 और मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जो है शारीरिक शिक्षा में जो 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा स्नातक की डिग्री निर्धारित की गई। तो फ्रेंड्स, या तो आपके पास जो है 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए प्लस टू के बाद, या आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन पदों के लिए जो 50% अंकों के साथ जो है निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो है 50% अंक होने जरूरी हैं 12वीं कक्षा में। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि ये पद जो है बैच के आधार पर भरे जाएंगे और कैसे जो ये पद भरे जाएंगे बैच के आधार पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इन पदों के लिए जो है सामान्य श्रेणी के लिए 2001 बैच और सामान्य IRDP के लिए 2002 बैच और OBC के लिए जो है 2001 बैच और OBC IRDP के लिए जो है 2003 बैच और अनुसूचित जाति के लिए 2001 बैच और अनुसूचित जाति IRDP के लिए जो है 2004 बैच के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस बैच में जो पास आउट हुए हैं तभी आप इसके लिए जो है आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, पात्र या इच्छुक उम्मीदवार जो है जिनका नाम जिला के रोजगार कार्यालय में जो है दर्ज है, वे जो संबंधित रोजगार कार्यालय में अपने रोजगार पंजीकरण कार्ड सहित 27 नवंबर तक संपर्क करना सुनिश्चित कर लें, ताकि उनके नाम जो है प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक जिला ऊना को समय रहते प्रस्तावित किया जा सके। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए जो आप रोजगार कार्यालय ऊना के दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो दूरभाष नंबर रहेगा वो रहेगा 01975226063। तो फ्रेंड्स, इस दूरभाष नंबर पे जो आप अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद। और इसी तरह के लिए टेस्ट नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दें और जो मेरा चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी बनती है उसे भी आप प्रेस करके रखें, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो से वंचित ना रह पाएं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय गाइज, टेक केयर।